नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्ति अग्निहोत्री। अभिनेता को नेता बनते तो सबने देखा है, आज हम देखेंगे एक नेता को अभिनेता बनते। जी हां, हम बात कर रहे हैं कीर्ति आज़ाद की, जो कि 80 के दशक के क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और कपिल देव के साथ मिलकर इन्होंने खूब चौके छक्के लगाए हैं और फिल्म क्रिकेट में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ खास और अलग देखने को मिलेगा। सर, पहले प्लेयर, फिर पॉलिटिशियन और अब एक्टर, आपने किस तरह से अपने आप को, मतलब आप कैसे आए आपके जहन में ये सवाल कि आपको एक्टर बनना चाहिए? मैं एक्टर नहीं हूँ, मैंने अपना किरदार निभाया है। मेरे हृदय को छूती हुई ये कहानी थी जब मुझे सुनाया गया था और उन्होंने मुझे विवश किया कि मैं इसमें एक्टिंग करूँ, क्योंकि स्वाभाविक था मेरे लिए करना। तो उनकी बड़ी मिन्नतों के बाद मैं मान गया और मैंने किया। ये संघर्ष की कहानी है। जब मान्यता हट गई थी बिहार की, तब मैंने किस प्रकार से संघर्ष किया, लड़कों ने संघर्ष किया, कैसे हमने टीम खड़ी की, कैसे हम आगे बढ़े, इसकी कहानी। सर, आपने अपने आप को इस कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चुनौतियाँ कुछ नहीं थी। कैमरा देखिए, आपसे भी फेस कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं 1993 से जब ESPN स्टार स्पोर्ट्स आई थी तो मैं तब कमेंट्री करता था और टेलीविज़न पे एंकरिंग भी करता था मैचेस की। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, या मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई घबराहट थी। और क्योंकि मैं खुद कर रहा था, मैं सलमान खान की तरह बजरंगी भाईजान नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। शुरू में अवश्य में ये डर लगता था मुझे कि भाई इसकी डबिंग कैसे होती है, कहाँ कैसे क्या होगा, उसके बाद इसकी कट कैसे होगी, नहीं होगी। जब मैंने सारा प्रोसेस देखा तो मैंने देखा कि बड़ा ही प्रोफेशनल सेटअप है। लेकिन शुरू में अवश्य ये लगता था कि होगा कैसे, लेकिन बड़े प्यार से निकल गया। सर, इंडिया में ज़्यादातर क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बाकी बजाय स्पोर्ट्स के, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुख होता है कि दूसरे खेलों को उस प्रकार का बढ़ावा नहीं मिलता जिस प्रकार से क्रिकेट को मिलता है। क्रिकेट ऑर्गेनाइज्ड है हमारे देश में, और क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, लोकप्रिय है, इसी कारण से क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगले 3 विश्व कप कब होंगे, लोगों को मालूम है T20 चैंपियनशिप्स कब होंगी, टेस्ट मैचेस कब होंगे, फर्स्ट क्लास मैचेस जो हिंदुस्तान में खेले जाते हैं वो कब होंगे, कौन से टूरिंग टीम यहाँ आएगी और कहाँ टूर करने हम जाएंगे, ये लोगों को पता होता है। और उसके बाद इसके टेलीवाइज भी होता है। दूसरे खेलों के साथ दुर्भाग्यवश ये है कि कब उनके राष्ट्रीय खेल होते हैं, कब उनके राज्य के खेल होते हैं, पता नहीं लगता। इसलिए आवश्यकता है कि उसकी जागरूकता दूसरे खेलों की भी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे पास एक से एक बड़े खिलाड़ी हैं। अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आई हमारी PV सिंधु बैडमिंटन में, और वो भी किसके पास, गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद के पास वो प्रैक्टिस करती है, जो खुद अपने आप वर्ल्ड चैंपियन रहे हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने एकेडमी से उसको निकाला। हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर संघों की तरफ से क्यों नहीं हो सकता? सर, बिहार में अपमान से लेकर सम्मान तक टाइटल में इस बात को कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? जब आप कहानी देखेंगे तो समझेंगे, क्योंकि मुझे इस दौर से गुजरने में मैंने कितना सहा, बिहारियों के नाम पे क्या क्या सुना। आपने डायलेक्ट भी सुना होगा कि जहाँ 11 बिहारी इकट्ठे होते हैं वहाँ क्रिकेट टीम नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, आप सुनते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत सब चीज़ें, जब आप सिनेमा लगेगी ना 18 अक्टूबर को, आप जाके देखिएगा, आपको तो पहले हम दिखाएंगे लेकिन आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों ऐसा हमने रखा है। सर, ट्रेलर में सोशल जस्टिस की बात की गई है, तो इस सोशल जस्टिस को किस तरह से लिया गया है? आप देखिए तो सही, पूरा देश जो है ना वह जातिवाद से ग्रसित है, मजहब से ग्रसित है। हम आगे विकासशील देश हैं, हमें आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों से अलग रहना है, लेकिन इसकी जड़ें आज तक हमारे समाज में हैं जो हटनी चाहिए। तो जैसा कि हमने जाना कि कीर्ति जी, जो कि 3 बार बिहार से MP, एक बार दिल्ली से MLA रह चुके हैं और 80 के दशक के प्लेयर, फिर पॉलिटिशियन और अब फिल्मों की दुनिया में अपना कदम रखने जा रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि 18 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इनकी फिल्म क्रिकेट बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।